प्यारे दोस्तों, आश्रम वेब सीरीज में आपने एक्टर एक्ट्रेस की प्यार भरी कहानी तो देखी होगी, लेकिन आपने कभी इनके रियल लाइफ पार्टनर को जाना है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनके रियल लाइफ पार्टनर से मिलाएंगे। अगर आप भी आश्रम वेब सीरीज को करते हैं पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, नंबर एक पर आते हैं बॉबी देओल। इन्होंने आश्रम वेब सीरीज में एक ढोंगी बाबा का किरदार निभाया। इनकी वाइफ का नाम तान्या देओल है, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। नंबर दो पर आती हैं त्रिदा चौधरी। इन्होंने आश्रम में अपने हुस्न से बाबा को अपना मुरीद बनाकर उनके साथ जबरदस्त बोल्ड सीन्स दिए। आपको बता दें, वैसे तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन ये आकाश चटर्जी को डेट कर रही हैं। इसके बाद नंबर तीन पर आती हैं अनुप्रिया गोयनका। पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट और एसआई उजागर सिंह के साथ जबरदस्त बोल्ड सीन्स देने वाली अनुप्रिया ने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन आपको बता दें ये वैभव राज को डेट कर रही हैं, जिनके ये काफी क्लोज हैं। वहीं नंबर चार पर आते हैं अध्ययन सुमन। आपको बता दें, रियल लाइफ में इनकी गर्लफ्रेंड मायरा है, जिनके साथ ये काफी लाइमलाइट में रहते हैं। नंबर पांच पर आते हैं तुषार पांडे। इन्होंने आश्रम में पम्मे के भाई और बाबा के भक्त का किरदार निभाया। आपको बता दें, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ये ना ही किसी को डेट कर रहे हैं। नंबर छह पर आते हैं दर्शन कुमार। आश्रम में बहादुर ऑफिसर और नताशा के प्यार में पड़ने वाले दर्शन शादीशुदा हैं, लेकिन इनकी वाइफ की सोशल मीडिया पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर आप इस वीडियो में इनकी वाइफ की कुछ झलक देख सकते हैं। इसके बाद नंबर सात पर आती हैं अदिति पोहाकर। पहलवान से बाबा के भक्त बनने वाली पम्मी अभी तक सिंगल हैं और इन्होंने अभी तक शादी को नहीं सोचा। तो दोस्तों, ये थे आश्रम वेब सीरीज के अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स। आपको बता दें, जिस तरह आश्रम के फर्स्ट सीजन के दो महीने बाद सेकंड सीजन रिलीज हुआ, इसी तरह तीसरा सीजन भी जल्द ही रिलीज होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि आश्रम के तीसरे सीजन में कुछ नए किरदार जोड़े जाएंगे, जिसे पूरी तरह बनाने में तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाएंगे और आश्रम 3 को फरवरी के बाद मार्च या अप्रैल में रिलीज किया जाएगा, जिसमें बाबा की सच्चाई सभी के सामने आएगी और सभी अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपके आश्रम 3 को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।